कलेक्टर दर पर वेतनमान के साथ ही स्थायी बहाली किए जाने की मांग को लेकर चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलेंटियर ने अनिश्चितकालीन आंदोलन कर आवाज उठाई है। वहीं इस आंदोलन में अपना समर्थन देने अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी पहुंच गए हैं। महिला स्वयं सेविका कल्याण समिति के बैनर तले अपनी एक सूत्री मांग कलेक्टर दर पर वेतनमान के साथ ही स्थायी बहाली किए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलेंटियर की महिलाओं ने अपने अधिकार को लेकर आवाज उठाई। इस मौके पर महिला स्वयं कल्याण समिति की अध्यक्षा तोहिमा बंजारे ने कहा कि राज्य के समस्त जिले में अगर शासन प्रशासन राज्य और केंद्र सरकार सही मायने में महिला विकास और सशक्तिकरण चाहती है, महिला अपराध निजी और सामाजिक स्तर पर निरंतर महिला अपराधों में कमी लाना चाहती है, तो हमारी एक सूत्री मांग को जल्द पूरी की जाए। वॉलेंटियर हैं जिला दुर्ग और जिला कोरिया से। छत्तीसगढ़ राज्य में केवल दो ही जिले में मतलब ये केंद्रीय योजना जो लागू की गई थी, और भारत देश में 12 से 13 राज्यों में लागू किया गया है। ये जो है कभी कोई राज्य में या कोई जिले में 1.5 साल 2 साल के अंतर्गत इस योजना को बंद कर दिया गया है बिना हमारी जानकारी के या बिना हमें कोई सूचना दिए। और जो मानदेय के रूप में हम लोग को मोबाइल खर्चा दिया जा रहा था 1,000 रुपये, उसको 1.5 साल से बंद कर दिया गया है, और योजना को भी मतलब 2022 अप्रैल में बंद कर दिया गया है। तो भाई हम लोग ये चाहते हैं कि जब आप महिला विकास और सशक्तिकरण के नाम पे एक निर्भया हत्याकांड हुई थी, उसी के पश्चात में चेतना महिला पुलिस स्वयंसेविका वॉलंटियर जो है केंद्रीय योजना को लागू किया गया, जहां आपराधिक महिलाओं से संबंधित आपराधिक वृद्धि ज़्यादा हो रही थी, वहीं पर ये योजना लागू किया गया। और 1-2 साल तो ये कंटिन्यू चली, उसके बाद फिर क्या कोरोना आ गया। कोरोना काल में भी महिलाएं जो है अपनी ड्यूटी दी हैं, सेवाएं दिए हैं, प्रमुख रूप से जहां जहां मतलब थाने में है, वार्ड में है, अपना सखी सेंटर चाहे कोर्ट कचहरी हो चाहे मेडिकल से संबंधित हो कोई भी, और जैसे कोई भी थाने में महिला संबंधी कोई केस आती थी सबको सॉर्ट आउट किया है, अपनी तरफ से जितनी भी सेवाएं देनी चाहिए थी उसे बढ़ चढ़ के दिया है। और हम ये चाहते हैं महिलाएं कि आप इस योजना को एक उद्देश्य लेकर के चल रहे थे, तो ये इस योजना को स्थायी क्यों ना रखा जाए, क्योंकि जो अपराध है महिला संबंधी वो अभी योजना जैसे 2022 और अप्रैल में बंद हुई है ये, तत्पश्चात उसके बाद जैसे मान लीजिए किसी प्रमुख ऐसे कोई ग्रुप को या ऐसे जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं उनकी मानसिकता मतलब फिर से एक पुनरावृत्ति की ओर आ गई है। तो हम महिलाएं चाहते हैं कि इस योजना को स्थायी रखा जाए कलेक्टर द्वारा वेतनमान के साथ, क्योंकि हमारी जो है मानदेय निर्धारित नहीं किया गया है, नियुक्ति के समय बोला गया था किया जाएगा करके राइट अप में, लेकिन उसमें मतलब वेतन का एक अमुक राशि करके नहीं लिखा गया था। तो हम चाहते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में कलेक्टर दर वेतन माने एक सामान्य सी बात है, तो कलेक्टर दर वेतन मान के साथ हम सभी चेतना महिला पुलिस स्वयंसेविका वॉलंटियर को स्थायी बहाली किया जाए, और जिस जिले में जिस वार्ड में जिस राज्य में जहाँ पर इस योजना को लागू नहीं किया गया है, क्योंकि ये महिला विकास और सशक्तिकरण अपराध को रोकने के लिए किया गया था महिला विकास सशक्तिकरण को लेकर के, तो इस उद्देश्य को एक विस्तार दिया जाए, एक धरातली स्तर पे एक इसको इस तरीके से बेस खड़ा किया जाए कि आगे भविष्य में कोई भी महिला संबंधी अपराध में नियंत्रण जो है कंटिन्यू बना रहे और जो वृद्धि हो रही थी उसमें लगाम लगा सके। हमारी जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये दुर्ग जिला में हम लोग अभी 2400 के आसपास है, और कोरिया जिला में 2300 के आसपास है चित्रा महिला पुलिस। तो वहीं महिलाएं द्वारा किए जा रहे आंदोलन में अपना समर्थन देने पहुंचे अनुसूचित जाति जनजाति की प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार सोनी और पूर्व पार्षद संजय सिंह ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं के हक में अपनी बात कही, और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से अपील की कि इन महिलाओं की सरकार को जब जरूरत थी तब पूछा गया, अब जरूरत खत्म हो गई तो इन्हें अनदेखा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। इनका अधिकार जायज है, और हमारा भारत जो है महिला सशक्तिकरण पर विश्वास रखती है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो महिलाएं जिन मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध कर रही है तो उन मांग जो है वो जायज है, और सरकार जो है अतिशीघ्र माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी से आग्रह है आप मीडिया के माध्यम से कि इनके मांगे को अतिशीघ्र पूरा करें। अभी हम समर्थन देने आए हैं, और समर्थन के तौर पर अगर मान लिया जाए आज अगर यह काम नहीं होती है तो हम भी जो है ना अपने पूरे संगठन की ओर से हम जो है ना इनके साथ तन मन धन के साथ जो है ना इनका सहयोग में साथी बनकर कार्य करेंगे। वर्ष 2018 में जब महिला पुलिस चेतना मंच का गठन किया गया और इनको मानदेय में रखा गया, और उसके पश्चात जब तक
चुनाव का जब समय आता है और पूर्व की जो सरकारें थी इनका चुनावी उपयोग किए और उपयोग करने के पश्चात आज ये जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को अपने परिवार को छोड़ के जो शासन की योजनाओं में अपनी भागीदारी निभा रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है, उनको घर बिठा दिया गया है और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं और इनको रेगुलाइज किया जाए, इनसे काम लिया जाए, इनको प्रोत्साहित किया जाए। महिला सशक्तिकरण का दौर है, केंद्र की सरकार और भारत यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ की सरकार है ये इनको इनके मांगों पे विचार करना चाहिए और इनकी मांगों का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ और इनके द्वारा जो भी आगे निर्णय किया जाएगा और जो भी शासन के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए जो रूपरेखा तैयार करेंगे उसमें मैं मेरी विशेष भागीदारी रहेगी और मैं ये चाहता हूँ कि इनकी मांगे पूर्ण हों। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।